हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक छोटी कोशिश। तो मैं हूँ आप लोगों के साथ प्रियंका। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ साड़ी की रीयूज प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें मैं आपको कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी। तो ये हमारा टोटल साड़ी था और कुछ इस तरह की वर्क थी, और ये जो हल्की सी लैस देख रही वो साड़ी के चारों तरफ थी, तो उसे मैंने अलग निकाल दिया है। और लगभग ये फैब्रिक 2.25 मीटर है और मैंने कट करके और कपड़े को हटा दिया है। यानी टोटल फैब्रिक हमारी सवा 2 इंच थी, इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। और इसे मैं एक सरारा बनाने जा रही हूँ। तो सरारा की जो लेंथ होगी उसकी सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ सरारा की लेंथ 20.5 इंच ले रही हूँ, जबकि लंबाई सरारा की 20 इंच रखूँगी 1/2 इंच सिलाई में, क्योंकि बॉर्डर की तरफ हमें सिलाई नहीं देनी है। इसलिए मार्क लगाकर स्ट्रेट करके निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद दोनों पल्लों को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने 4 फोल्ड कर लिया था। तो हम यहाँ दोनों पल्ले की कटिंग एक साथ कर रहे थे, इसलिए दोनों पल्ले की कटिंग अलग अलग कर ली। अब सरारे के ऊपर वाले भाग की कटिंग होगी। तो यहाँ हमने 14 इंच लंबाई लिया, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है 1.5 इंच रबड़ लगाने के लिए और 1/2 इंच सिलाई के लिए। टोटल हमारा 60 इंच हमने लिया है यहाँ। यहाँ हमारी कमर 28 इंच थी, तो 7 इंच पे निशान लगाकर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और जो हमारा यहाँ मोरी बनेगा वहाँ पर हमने और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब निशान लगाकर कुछ इस तरह की कटिंग कर लेते हैं। और हमारी सरारा कुछ इस तरीके की बनेगी, जो नीचे वाला फैब्रिक उसमें चून देते हुए हम दोनों पल्ला इस तरह तैयार करेंगे। यह मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो सरारा के नीचे वाले भाग के अलग अलग पल्ले को लेकर कुछ इस तरीके से छोटे छोटे चून देकर हमें स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया। तो सरारे वाले के ऊपर वाले भाग को कुछ इस तरीके से रख देंगे और नीचे वाले भाग को सेम उसके ऊपर पलट कर इसकी सिलाई कर देंगे। तो यहाँ हमने सिलाई कर लिया। इसी तरीके से हम सेकंड वाले पार्ट की भी सिलाई कर लेंगे। मैं यहाँ एक ही पैर की सिलाई की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो ये सिलने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही है, कि पहनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जैसे लगता है कि आप स्कर्ट ही पहने हो। तो ये हमारा सिंगल पैर का है और ये मेरा सेकंड पार्ट भी सिला चुका है। अब इसको सिलने के बाद हम अपने जो पजामा के नीचे की तीरा है उसको ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट हो जाने के बाद जो हमने सिला जो तीरा हमने जो सिला उसको बीच में करते हुए कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब दोनों साइड के पल्ले को इस तरीके से स्टिच कर देंगे कि दोनों अलग अलग हो जाएं। ये हमने स्टिच कर लिया। अब हम रबड़ लगाने की बारी आती है, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको साथ नहीं शेयर किया है। इस तरीके से फोल्ड करके आप उसमें डोरी या रबड़ अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा सरारा का फाइनल लुक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।
इतनी खूबसूरत लग रही है ये बनने के बाद। तो आपके पास भी अगर इस तरह की साड़ी हो, दुपट्टा हो, बनाइए और वीडियो शेयर करिए।